केंद्रीय सूचना मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां जयपुर ग्रामीण सीट से फिर भरोसा जताने पर राज्यवर्धन सिंह जनसंपर्क में जुट गए हैं। और इसी कड़ी में राज्यवर्धन सिंह राजधानी के सेवापुरा गांव पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान आमेर विधायक सतीश पूनिया भी राठौड़ के साथ मौजूद रहे। तो वहीं स्वागत समारोह के बाद गांव में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सतीश पूनिया और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। और राठौड़ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि मन मिलावटी है तो सरकार भी मिलावटी हो जाएगी, लेकिन देश ईमानदारों का है, हमें मिलावटी सरकार नहीं चाहिए और इसके लिए ईमानदार ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि हमें नए भारत का निर्माण करना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से चुनना है। यहाँ पर एक ऊर्जा है और मुझे यकीन है जब भैरव जी की कृपा सतीश जी पर रही तो आप सब पर भी रहेगी। सतीश जी मेरे बड़े भाई और मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान या पूरे देश के अंदर एक पहले ऐसे विधायक होंगे जिन्होंने 5 साल सेवा करी बिना विधायक बने, बिना संवैधानिक पद के। इतनी तपस्या तो भगवान बहुत कम से करवाता है, लेकिन आप सबने भी खूब इनको आशीर्वाद दिया। और अगर निश्चित जीत किसी विधायक की थी पिछले चुनाव में तो आपके अपने सतीश जी पूनिया की।